सो हे गाइस, दिस इज प्रियांश। बहुत बहुत वेलकम करता हूँ आपको आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आज मैं स्टार्ट करने आ रहा हूँ मैट्रिक्स चैप्टर, और मैट्रिक्स में ये पहला वीडियो है। इसकी पूरी टोटल चार वीडियोज आएंगी, चार मतलब एक सीरीज है पूरी की पूरी एक तरह से, और जिसमें मतलब पूरा बोर्ड का रिविजन जितना है आपको सारा इसमें कवर हो जाएगा। इसमें आप अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो आपको इसमें बहुत बेनिफिट होने वाला है। इसमें सारे क्वेश्चन जो भी बताऊँ सारे इंपॉर्टेंट हैं, सब एग्जाम में आएंगे, और जो भी कॉन्सेप्ट बताऊँगा वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको अच्छे समझ में आएगा। तो एक रिक्वेस्ट है, आप एक जैसे ही आप मतलब वीडियो शुरू कर रहे तो एक कॉपी साथ में रख लीजिए, जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा वो आप नोट कर लीजिएगा, जिससे आप उसको इजी तरीके से नेक्स्ट टाइम रिवाइज कर सकेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का नाम है रैपिड फायर, ठीक है। रैपिड फायर नाम से ये पूरी सीरीज है, इसकी पूरी की पूरी सीरीज होगी। ये अलग अलग चैप्टर इंडिविजुअल सारे चैप्टर्स के लिए इसकी पूरी सीरीज आएगी, ठीक है। वीडियो कोशिश ये रहेगी कि वीडियो में शॉर्ट होना, जिसलिए आपको बहुत आसानी से समझ में आ सके। इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज सबसे पहले मैट्रिक्स हम थोड़ा सा इसका बेसिक जितना इंपॉर्टेंट है वो बस समझ लेते हैं। तो हमको सबसे पहले पता होना चाहिए रो के बारे में। नहीं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स को डिफाइन कैसे करते हैं। मैट्रिक्स को सबसे पहले बताते हैं इस ब्रैकेट से, स्क्वायर ब्रैकेट से, इसको डब्बा भी बोल सकते हो, जो चाहो बोल सकते हो। तो एक बॉक्स के अंदर मतलब ये इसको ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ब्रैकेट के अंदर क्या होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं। इस एलिमेंट्स में मतलब जो एलिमेंट्स होते हैं उसी को हम कहते हैं मैट्रिक्स, और ये साइन मतलब ऐसे साइड में से बॉक्स टाइप का बना होता है, और इसमें जो नंबर्स आते हैं उन नंबर्स को हम बोलते हैं एलिमेंट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास 2, 4, 6, यहाँ पे 3, 1, 5 और 4, 7, 9, यहाँ मेरे पास क्या है, यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, ये इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स क्या, कि हमारे पास बॉक्स है, बॉक्स में जो नंबर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स को ऐसे शो किया जाता है, बॉक्स बना रहता है, ठीक है ना। वो आगे एक और चैप्टर डिटरमिनेंट वो अलग चीज़ है, फिलहाल अभी मैट्रिक्स की बात चल रही है यहाँ पे। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, बॉक्स में जो एलिमेंट्स होते हैं उसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है ना। इसको फटाफट से आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं। रोज एंड कॉलम, रो और कॉलम बेसिकली क्या होता है, जब हमारे पास मैट्रिक्स है तो रो का मतलब ये होता है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन में जो ये लाइन है इसी को हम बोलते हैं रो। हॉरिजॉन्टल में एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है ना। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गई, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गई, तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गई। मतलब क्या हो गई, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम बोलते हैं रोज। अब रो को हम शो कैसे करेंगे, रो को हम शो करेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट रो, तो उसको हम ऐसे शो करेंगे R1, ठीक है ना। इसको हम R1 से शो करेंगे। ये सेकेंड रो, तो उसको हम शो करेंगे R2 से, ठीक है ना। ये R2 हो गई, मतलब ये क्या हो गई फर्स्ट रो, ये हो गई सेकेंड रो। मतलब सेकेंड रो हॉरिजॉन्टल, हमेशा हॉरिजॉन्टल में रहती है रो। तो R1 ये हो गई और ये R2 हो गए, मतलब सेकेंड रो। R3 ये मतलब ये थर्ड रो को हम बोल रहे हैं R3, सेकेंड रो को बोल रहे हैं R2, फर्स्ट रो को बोल रहे हैं R1। मतलब पहली रो को हम R1 से बताएंगे, दूसरी रो को हम R2 से बताएंगे, और थर्ड रो को हम R3 से बताएंगे। तो मतलब जो हॉरिजॉन्टल जो होती है उसको हम कहते हैं रोज। मतलब ये एलिमेंट्स हैं एक रो में है, मतलब एक हॉरिजॉन्टल उसमें है, तो उसको हम बोलते हैं रोज। अब कॉलम किसको बोलते हैं, अब कॉलम मतलब क्या, ये ऐसे जो खड़े में है वर्टिकली जो मतलब यहाँ पे खड़े हुए हैं, जैसे 2, 3, 4 ये वर्टिकल है पूरा, है ना। 4, 1, 7 ये एक के नीचे गए हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल। 6, 5, 9 ये भी क्या है वर्टिकल, मतलब ये खड़े उसमें, तो उसको हम बोलते हैं कॉलम, ठीक है। इसको बोलते हैं हम कॉलम, ठीक है। तो कॉलम को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम को हम C1 बोलेंगे। फर्स्ट कॉलम क्या है, C1, और ये क्या है ना, समझ में आ रहा है ना। फर्स्ट कॉलम ये हो गया, ये वाला जिसमें क्या है एक के नीचे एक एलिमेंट, उसको बोलते हैं कॉलम। और ये सेकेंड कॉलम है, ठीक है ना। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। तो सेकेंड कॉलम क्या है, C2। मतलब सेकेंड कॉलम क्या है, सेकेंड कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स आ गए एक के नीचे उसको बोलते हैं कॉलम। तो ये C2 का मतलब क्या है, सेकेंड कॉलम। और इसी तरीके से ये हो गया थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम को हम बोलेंगे C3, ठीक है ना, C3। तो ये क्या होंगे, सब कॉलम हो गए एक तरह से। और ये क्या है, वर्टिकल। वर्टिकल मतलब क्या, कि वर्टिकली जो भी एलिमेंट्स एक के नीचे हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉलम। तो टोटल कितने हुए कॉलम, 1, 2, 3 कॉलम, 1 भी हो सकते हैं, 2, 3 जितने चाहो उतने हो सकते, ठीक है ना। तो 3 कॉलम हो गए ये, और ये मतलब कॉलम के वर्टिकल में क्या होगा कॉलम, C1, C2, C3, और हॉरिजॉन्टल में रो, R1, R2, R3। इस तरीके से रो हो गया, कॉलम हो गया। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। इसको फटाफट से पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लेना इसको, ठीक है। अब उसके बाद बताता हूँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स।
ये सब थोड़ा बेसिक कवर करना जरूरी है जिससे आपको क्वेश्चन समझा सकूं। इसके इसके बाद इस पार्ट के बाद क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो एकदम बनना ही चाहिए, ठीक है। तो अच्छे समझाता हूँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या। ऑर्डर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ऑर्डर इज इक्वल टू, ऑर्डर इज इक्वल टू रो इंटू कॉलम, ठीक है ना, आर इंटू सी, इस तरीके से बोल सकते हैं। रो इंटू कॉलम होता है ऑर्डर, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को कैसे शो करते हैं, ऑर्डर इज इक्वल टू रो इंटू कॉलम, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इसी में एग्जांपल आपको देता हूँ, और ऑर्डर को हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इतने बाय इतना। फॉर एग्जांपल ये सपोज ये मैं आपको बताता हूँ अच्छे तरीके से इसको ऑर्डर कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स से मेरे को बताना ऑर्डर क्या, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है इसका। तो सबसे पहले मेरे को पता होना चाहिए रो कितनी है, तो रो कितनी है 1 2 3, टोटल 3 रो है, R1 R2 R3, 3 रो हो गई हॉरिजॉन्टल में, ठीक है ना। और वर्टिकली कॉलम यहाँ पे क्या है, कॉलम है ऊपर है ना, तो ये कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो टोटल 3 कॉलम हो गए, मतलब 3 रो हो गई और 3 कॉलम हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे रो पे क्या आ जाएगा, 3, 3 रो रहे हैं हमारे पास, इंटू कॉलम, कॉलम मतलब क्या, C1 C2 C3, टोटल 3 कॉलम थे, तो 3 इंटू 3 मतलब कि 3 इंटू 3 का क्या होगा हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब जे रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर देने को हम कहते हैं ऑर्डर, ठीक है। मतलब ऑर्डर क्या, रो इंटू कॉलम, और जितनी कितनी रो यहाँ पे 3 रो है, और टोटल कितने कॉलम है, वो 1 2 3, तो 3 रो 3 कॉलम, तो 3 इंटू 3 मतलब 3 इंटू 3, तो 3 बाय 3 भी बोलते हैं इसको, ठीक है। 3 बाय 3 का क्या होगा, ऑर्डर होगा, तो हम इसको शो यहाँ पे लिखेंगे 3 बाय 3, 3 बाय 3 का क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा, ठीक है। इस तरीके से हम उसको शो करें। तो ये मैंने आपको बता दी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैंने बता दी आपको रो क्या होती है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम हॉरिजॉन्टल जितने भी एलिमेंट्स आए तो उसको हम बोलते हैं क्या, रोज बोलते हैं। और ऐसे मतलब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि यदि यहाँ पे जो है जितने भी एलिमेंट्स उसको बोलते हैं रो, ठीक है। और जितने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में क्या होते हैं, रो होते हैं जितने भी एलिमेंट्स है, और यहाँ पे क्या है इसको बोलते हैं हम कॉलम वर्टिकल को, इस तरीके से रो हो गया और ये कॉलम हो गया। इस तरीके से मैं आपको ऑर्डर बता दिया कि जितने रो हो गए और टोटल 3 रो थे यहाँ पे, तो 3 आ गया। कॉलम कितने, यहाँ पे 3 कॉलम थे, तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 बाय 3 का क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, मैट्रिक्स खत्म होने के बाद लास्ट में राइट में यहाँ पे नीचे लिख देते हैं 3 बाय 3, इस तरीके से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको पॉज करके जल्दी नोट कर लो, नोट कर लिया। अब मैं आपको बताऊंगा स्क्वायर मैट्रिक्स को, इसको किसको कहते हैं, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में आपको बताता हूँ क्या बोलता है। स्क्वायर का मतलब हमको समझ में आता है, स्क्वायर मतलब जैसे हमने पढ़ा पिछली क्लासेस में, स्क्वायर का मतलब जितनी साइड, मतलब एक स्क्वायर के अंदर जितनी साइड है वो सब इक्वल होती है, ठीक है। तो जितनी भी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। इसको इस तरीके समझेंगे कि एक मैट्रिक्स है और उसकी रो और उसके कॉलम सेम ऑर्डर के हैं। अब इसको कैसे समझेंगे, देखो ध्यान से। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब सबसे पहली चीज, इसमें हमको पता होना चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स हम किसको बोलते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया रहा, रो और कॉलम किसको बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है, उसमें कुछ एलिमेंट्स है 2 फॉर एग्जांपल 4 6 3 2, ये मेरे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है, ठीक है। और मैट्रिक्स में क्या है, यहाँ पे एक रो है हॉरिजॉन्टल जा रही है R1, और ये हो गई सेकेंड रो R2, और ये हो गया क्या कॉलम 1 C1, ठीक है वर्टिकल में, और ये यहाँ पे हो गया क्या कॉलम 2 C2। इस तरीके से रो और कॉलम हो गई, तो 2 रो यहाँ पे है, 2 कॉलम मतलब 2 रो ये हो गई और 2 कॉलम ये हो गई, तो क्या होगा 2 बाय 2 का ये क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। तो ऑर्डर 2 बाय 2 का होगा, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स हम उसको बोलेंगे जिसकी रो, मतलब जिस मैट्रिक्स की रोज इक्वल होंगी किसके, कॉलम के, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स के, मतलब कि जितने रो उतने कॉलम, उसी को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे 2 रो थी और 2 कॉलम थी, तो इसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब जितनी रोज उतने कॉलम इक्वल होते हैं, उसी को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल 2 बाय 2 का था, जैसे अब मैं और आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे नंबर है 2 4 6 8 10 12 14 16 18। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में सबसे पहले मेरे को देखना रो कितनी है, कॉलम कितनी है।
जो कि मैंने आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल में जितने भी हॉरिजॉन्टल जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उसको बोलते हैं रोज। जैसे यहाँ पे क्या आ गया आर वन, ठीक, और यहाँ पे सेकेंड रो की बात करूँ तो आर टू, ठीक ना, और यहाँ पे क्या आ गया थर्ड रो, तो उसको बोलेंगे आर थ्री। तो इस तरीके से आर वन आर टू थ्री रोज हो गई। अब उसके बाद हॉरिजॉन्टल में देखा था अपने हॉरिजॉन्टल, अब उसको कॉलम, मतलब कॉलम मतलब क्या वर्टिकल में देखना है, कॉलम मतलब वर्टिकल में, ठीक है ना। और ये हो गया सी वन, एक कॉलम आ गया सी वन, दो कॉलम आ गया कितना सी टू, तीन, ये कौन सा कॉलम है थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सी थ्री से, ठीक है ना। वन कॉलम टू कॉलम थ्री कॉलम, वन रो टू रो थ्री रो, तो क्या होगा जितनी रो हो गई उतनी कॉलम कॉलम हो गए, तो तीन रो थी तीन कॉलम था, तो कितने हो गए ऑर्डर, ऑर्डर क्या होगा थ्री इंटू थ्री। ऑर्डर का बताया था ना फॉर्मूला, ऑर्डर फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, रो इंटू कॉलम, रो कितने हैं यहाँ पे, रो यहाँ पे थ्री है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा थ्री, यहाँ पे ऑर्डर लिखते थे थ्री आ गया, और रो इंटू कॉलम, कॉलम क्या है यहाँ पे वन टू थ्री, तो ये कॉलम भी तीन रो भी तीन, तो रो आ गया थ्री इंटू कॉलम कितना थ्री, तो थ्री बाय थ्री का क्या होगा ये मैट्रिक्स होगा, मतलब जितने रो उतने कॉलम, यहाँ पे कितने रो थे तीन रो थे, और यहाँ पे कितने कॉलम थे तीन कॉलम थे, इसका मतलब रो क्या हो गया कॉलम के इक्वल हो गया। तो जब भी रो कॉलम के इक्वल हो जाता है एक मैट्रिक्स में तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब इसको पॉज करके नोट कर लो जल्दी से। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया रोज क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको बताया, और स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बताया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, नेक्स्ट वीडियो जिसका आएगा उसमें इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स बताऊंगा, और उसमें सारे जो क्वेश्चन है जो बोर्ड में आए हुए प्लस जो एनसीईआरटी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब उसमें कवर करूंगा, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, जो भी लगे तो उसको नोट कर लेना, अच्छे समझ लेना, अच्छे से ध्यान से देख लेना, ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं ना, सपोर्ट करते रहो, और इसी के साथ आज के पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड डे।